हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं राजरानी टाइम्स और आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मिल्क केक, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। और जो हम घर में घी बनाते हैं, घी बनाने के बाद बचे हुए मावे से हम ये मिल्क केक बनाएंगे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें। ये बिल्कुल फ्री है। ये मिल्क केक बहुत ही जल्दी बन जाता है और मार्केट जैसा एकदम दानेदार बहुत ही टेस्टी मिल्क केक बनता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा देखने में लग रहा है, कलर ही बहुत अच्छा आया है और एकदम दानेदार हमारा मिल्क केक बना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल घी बनाने के बाद बचा हुआ जो मावा रहता है वो लिया है, आधा बाउल मिल्क पाउडर लिया है, आधा बाउल चीनी ली है, एक कप से थोड़ा कम मिल्क लिया है। इसके बाद हम एक कढ़ाई गर्म करेंगे और इसके बाद जो हमने लेफ्ट ओवर मावा लिया था घी बनाने के बाद बचा हुआ मावा, इसे हम कढ़ाई में 1 से 2 मिनट चला लेंगे। तो इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसे हम कंटिन्यू चला लेंगे। गैस को हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और इसे हम अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे। इसके बाद हमने जो मिल्क लिया था वो इसमें हम ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर हमने जो चीनी पाउडर लिया था वो भी मिक्स कर देंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे। इसके बाद जो हमने मिल्क पाउडर लिया था वो भी मिक्स कर देंगे और इसे हम अच्छे से चलाते रहेंगे। और इसमें हमें घी मिक्स नहीं करना है क्योंकि घी इसमें पहले से ही मिक्स है, तो जो मावा है इसमें घी पूरी तरह से नहीं निकल पाता, तो हम इसे गर्म करेंगे तो घी निकल आएगा। इसके बाद हमने 1 से 2 इलायची ली थी वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे और इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। और 2 से 5 मिनट चलाने के बाद आप देखेंगे कि ये बढ़िया दानेदार बन गया है। और इसमें हम और दानेदार बनाने के लिए 1 पिंच के लगभग खाना सोडा ऐड करेंगे और 1 टीस्पून के लगभग हम इसमें पानी डालेंगे, जिससे कि ये बहुत अच्छा दानेदार बन के तैयार होगा। और इसे हम तब तक चलाएंगे तब तक कि जो हमारा मिश्रण है वो कढ़ाई ना छोड़ने लग जाए। तो इसे हम कंटिन्यू मीडियम फ्लेम पर चलाते रहेंगे और ये बहुत ही अच्छा बनके तैयार होगा। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पर हमारा जो मिश्रण है उसने घी छोड़ना चालू कर दिया है और ये बहुत ही अच्छा बनके तैयार हो गया है। तो जब आप घी बनाने के बाद जो मलाई से आप ये मिठाई बनाने वाले हों, तो इसके लिए आप क्या करें कि यहाँ पर 2 से 3 दिन की मलाई हो, मलाई को फ्रिज में नहीं हम फ्रीजर में रखेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो मिल्क केक है बनके तैयार हो गया है, तो हम एक प्लेट में इसे निकाल लेंगे और ये बहुत ही अच्छा दानेदार बना है। तो एक प्लेट में हम इसे फैला लेंगे और प्लेट में हमें घी लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ही घी निकल आता है। तो इस तरह से हम इसे सेट कर देंगे और इसे सेट करने के लिए आप कोई सी भी प्लेट में इसे फैला सकते हैं। तो ये अच्छे से सेट हो गया है। इसके बाद हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे। तो इसे हम थोड़ा सा लंबे लंबे पीसेस में कट करेंगे, बिल्कुल मार्केट जैसा लुक आएगा। तो इस तरह से हम एक जैसे पीसेस में इसे कट कर देंगे और देखिए इसका कलर भी बिल्कुल मार्केट जैसा आया है। तो आप इस तरह से मिल्क केक बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारे ही पीसेस कट कर लेंगे और ये देखने के साथ साथ खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसी तरह से हम सारे पीसेस कट कर लेंगे और एक पीस हम आपको दिखाते हैं कितना अच्छा कलर और कितना दानेदार हमारा मिल्क केक बनके तैयार हुआ है। तो इस तरह से आप घर में मिल्क केक ज़रूर बनाएं। और यहाँ पर मैंने कुछ पिस्ते लिए हैं जिससे हम मिल्क केक को गार्निशिंग करेंगे। और इसके बाद मैंने कुछ बादाम लिए हैं, वो भी हम इसमें लगा देंगे जिससे कि ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल लगेगा और देखने में भी बहुत अच्छा है और खाने में भी बहुत टेस्टी है।
और आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और यदि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।